अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम आपको हमारे YouTube चैनल जी न्यूज में। दोस्तों आज एक बार फिर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी रही। मंदी के बाइस आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में चार नफसियाती हदें कम हुई और साथ में इन्वेस्टर के तकरीबन 80 अरब रुपए से ज्यादा के डूब गए। दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बाइस रवा हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान 420.13 पॉइंट की तंजली के बाइस 43,000 की नफसियाती याद भी एक बार फिर नीचे आ गिरी, जबकि 100 इंडेक्स की मजीद चार नफसियाती यादें कम हुई। गिरने वाली नफसियाती यादों में 43,100, 43,200, 42,900, 42,800 की यादें शामिल है। आज कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। पहले दो घंटों के दौरान 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने में आई थी और 100 इंडेक्स 43,167.77 पॉइंट से बढ़कर 43,247.82 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया था। ताम इससे अगले दो घंटों के दौरान इन्वेस्टर की तरफ से शेयर की फरोख्त को तरजीह दी गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स की 470 पॉइंट गिरने के बाद 100 इंडेक्स 42,828.96 पॉइंट की सतह पर आ गया था। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस अगले दो घंटों में मजीद करवट देखने में आई और 100 इंडेक्स एक मौके पर 42,632.58 पॉइंट की सतह पर आ गया था। आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 420.13 पॉइंट की तंजली के बाद 42,747.63 पॉइंट की सतह पर पहुंचकर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट आज बंद हुई। यानी पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 0.58% करवट देखी गई, जबकि इन्वेस्टर के तकरीबन 80 अरब रुपए से ज्यादा डूब गए। कारोबार के दौरान 11,63,70,000 शेयर का लेन देन हुआ। माशी माहिरीन का कहना है गुजरचा एक हफ्ते से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल छाई हुई है। मुल्क भर में आटे का बहरान, महंगाई के उठते तूफान के बायस इन्वेस्टर को देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है और पैसा लगाने से गरेजा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।